आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, हमारा प्रश्न यह है कि अगर किसी चालक से होकर 10^-2 सेकंड में 10 मिलियन इलेक्ट्रॉन गुजरता है तो चालक में धारा का मान हमें निकालना है, ठीक है, कि वो कितना होगा। ठीक है, तो चलिए इस प्रश्न को हम हल करते हैं। ठीक है, तो इस प्रश्न में हमें क्या दिया गया है, हमें दिया गया है समय टी। ठीक है, टी बराबर कितना दिया गया है, 10^-2, ये किसमें दिया गया है, सेकंड में दिया गया है। ठीक है, और हमें इलेक्ट्रॉन दिए गए हैं। ठीक है, तो एन का मान क्या दिया गया है, एन का मान दिया गया है 10 मिलियन। ठीक है, ये क्या हो गया, 10 मिलियन हो गए हमारे। ठीक है, तो 1 मिलियन बराबर क्या होता है, 1 मिलियन होता है 10 लाख। ठीक है, तो यहाँ से एन का मान क्या हो जाएगा, 10 और 1 लाख, हम 1 मिलियन को लिखेंगे, क्या होता है, 1 मिलियन बराबर होता है 10 लाख, 10 लाख को लिखेंगे 10^6। ठीक है, ये हो गया हमारा। और हमें निकालना क्या, ई का मान हमें क्या पता है, ई का मान हमें पता है ये होता है 1.6×10^-19, ये होता है ई का मान। ठीक है, अब हमें इसमें क्या निकालना, हमें निकालना है आई, आई क्या है, धारा का मान हमें इसमें निकालना है। ठीक है, तो हमें सूत्र क्या पता है, क्यू बराबर क्या होता है, क्यू बराबर होता है आई गुना टी। ठीक है, तो यहाँ से आई बराबर क्या हो जाएगा, ये यहाँ से आई निकालेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, क्यू बटे में टी हो जाएगा। ठीक है, तो क्यू बराबर क्या होता है, क्यू बराबर होता है एन इंटू ई, नंबर ऑफ कितने इलेक्ट्रॉन, ये क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। ठीक, और ई का मान क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम एन का मान, हमारा मान क्या हो जाएगा, 10^10^6, और इलेक्ट्रॉन का आवेश क्या होता है, 1.6×10^-19, और बटे में क्या हो जाएगा, बटे में हो जाएगा टी, टी का मान दिया गया 10^-2। ठीक है, तो यहाँ से हम इसे हल करेंगे। ठीक है, तो 10^ ये क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1.6×10^7×10^ क्या हो जाएगा, -19, और बटे में क्या हो जाएगा, 10^-2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से इसे हम आगे हल करेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1.6, और 10^-19 से प्लस का 7 जो है घटाएंगे। ठीक है, तो कितना बचेगा, 10^-12 बचेगा। ठीक है, और बटे में क्या है, 10^-2, तो -2 ये यहाँ से 2 घात कट जाएगा। ठीक है, तो ये कितना बचेगा, ये बचेगा 1.6×10^ क्या बचेगा, माइनस का 10 बचेगा। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, आई। ठीक है, तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, इसका मात्रक हो जाएगा एम्पियर। ठीक है, ये हो गया इसका मात्रक। ठीक है, तो हमसे प्रश्न में क्या पूछा गया था, हमसे प्रश्न में पूछा गया था कि धारा का मान जो है वो कितना होगा। ठीक है, तो धारा जो हो जाएगी आई, आई का मान क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1.6×10^-10 एम्पियर। धन्यवाद दोस्तों। कक्षा 6 से 12 से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400400400 पर।